दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भवती महिला को क्या नहीं खाना चाहिए। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हर महिला चाहती है कि उनका होने वाला शिशु स्वस्थ हो, इसलिए यह आवश्यक है कि अपने खान पान पर ध्यान दें। गर्भवती महिला को तरह तरह के फल और हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ सब्जी के खाने से गर्भ में पल रहे शिशु को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को बैंगन नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मात्रा में बैंगन खाने से गर्भपात हो सकता है। बैंगन खाने से गर्भवती के शरीर में खुजली की समस्या बढ़ सकती है। पपीता को लोग कच्चे और सब्जी बनाकर भी खाते हैं, लेकिन गर्भवती महिला को कच्चा पपीता भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीता में लेक्टर पाया जाता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर होता है। या हो सकता है गर्भपात भी हो जाए, या प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए गर्भवती को पपीता से परहेज करना चाहिए। इसके बाद है अंकुरित चना। जी हाँ दोस्तों, अंकुरित अनाज के सेवन से शिशु को संक्रमण हो सकता है, इसलिए अंकुरित अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती को पत्ता गोभी भी नहीं खाना चाहिए। अगला है करेला। प्रेग्नेंट महिला को करेला नहीं खाना चाहिए, इससे भ्रूण का विकास में बाधा पहुंचता है। करेला का बीज तो बिल्कुल भी खाना ही नहीं चाहिए। अदरक, गर्भवती को अदरक अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, खास कर पहले तिमाही में। इसके अधिक सेवन से गर्भपात का कारण बन सकता है। इसके बाद है तुलसी के पत्ते। दोस्तों, गर्भावस्था में तुलसी के पत्तों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों में मरकरी ज्यादा होता है, जो शिशु के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में तुलसी के पत्तियों का सेवन करना चाहिए। खास बात दोस्तों कि कच्चे अंडे, कच्चे मांस, कच्चे मछली बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इससे भ्रूण को नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक तो कर ही दीजिएगा। दोस्त व सहेलियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।